रजब तैयब अर्दगान की तुर्की के सदारती इंतखाब में तारीखी कामयाबी। तुर्की के सदारती इंतखाबात में रजब तैयब अर्दगान ने दूसरा मरहला जीत लिया है, जिसके साथ ही वो दोबारा सदर मुंतखब हो गए हैं। तैयब अर्दगान को सदर इंतखाब के दूसरे मरहले में 52% वोट हासिल हुए, जबकि उनके मुखालिफ अपोजिशन उम्मीदवार कमाल सीच दार ओगलू को तकरीबन 48% वोट हासिल हुए। इस तरह उनका इख्तदार तीसरे दहे में दाखिल हो जाएगा। अर्दगान की कामयाबी के साथ ही उनके हामियों ने ज़बरदस्त जश्न शुरू कर दिया। अपनी कामयाबी के बाद इस्तांबुल में ख़िताब करते हुए अर्दगान ने कहा कि इस इंतखाब में फतेह तुर्की की हुई है। उन्होंने कहा कि इस जीत के साथ ही तुर्की की सदी के दरवाज़े खुल गए हैं। उन्होंने कहा कि इन नतायज ने एक मरतबा फिर साबित कर दिया है कि कोई भी मुल्क की तरक्की को रोक नहीं सकता। कई ममालिक के कायदीन ने तैयब अर्दगान को मुबारकबाद दी है। अर्दगान ने उनकी तायद करने वाले हर एक वोटर का शुक्रिया अदा किया। तैयब अर्दगान दो दहों से तुर्की की सियासत पर छाए हुए हैं, अब वह 5 साल की एक और मियाद के लिए तैयार हैं। तैयब अर्दगान ने अपने मुखालिफ उम्मीदवार का मजाक उड़ाते हुए खुदा हाफिज़ कमाल कहा, जिस पर उनके हामियों ने खूब तालियां बजाईं। तुर्की में 14 मई को सदारती इंतखाबात हुए थे, लेकिन किसी भी उम्मीदवार को 50% से ज़्यादा वोट हासिल नहीं हुए। इस वजह से 28 मई को दूसरे राउंड का मुकाबला हुआ, जिसमें दो सरकर्दा उम्मीदवारों के दरमियान रात मुकाबला हुआ। रजब तैयब अर्दगान ने वोटर्स का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने मज़ीद 5 साल के लिए उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है। दारुलहुकूमत अनखरा के सदारती महल के अतराफ जश्न मनाने वाले हामी जमा हो गए, जो नारे लगा रहे थे। अर्दगान के हामियों के हाथों में तुर्की और पार्टी के परचम साथ थे। अर्दगान की पार्टी के हेडक्वार्टर में जश्न का माहौल पैदा हो गया।